सलमान खान ने बदल दिया पूरा प्लान। आने वाले 3 सालों में 5 बड़ी फिल्मों से करेंगे बड़ा धमाका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। सलमान खान के हर फैन उनकी आने वाली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह दबंग 3 फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही राधे फिल्म अभी से ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सलमान खान की आने वाली फिल्मों को लेकर फैंस में कितनी एक्साइटमेंट रहती है। तो हालिया इंटरव्यू में सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्मों पर कई सारी बातें कही है, जिसे देखकर लगता है कि सलमान खान आने वाले 2-3 सालों में 5 बड़ी फिल्मों से बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं आखिर वो कौन सी फिल्म रहने वाली है। सबसे पहले तो दबंग 3 फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, और ये फिल्म से ट्रेलर, टीजर, पोस्टर, प्रोमो सब कुछ रिलीज हो चुका है, और अभी तक तो ये फिल्मों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन इसके बाद सलमान खान की ईद 2020 पर आएंगी राधे, और राधे फिल्म का बज अभी से ही काफी बढ़ गया है, क्योंकि जब ये फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था वो भी धमाकेदार पोस्टर और बीजीएम के साथ, तब से ये फिल्मों को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। लेकिन राधे के बाद सलमान खान कौन सी फिल्में करेंगे, इस पर सलमान खान ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया है। जो हालिया इंटरव्यू में जब सलमान खान से पूछा गया कि अब की आने वाली फिल्में कौन सी होगी और किक 2 और राधे फिल्मों के बारे में बताइए, तो सलमान खान ने कहा कि फिलहाल ईद पर तो मैं राधे को लेकर आ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद रिलीज होगी किक 2, और ये फिल्मों में डेविल एक बार फिर से धमाल मचाएगा, और ये फिल्म के लिए मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि डेविल एक बार फिर से अपने फैंस को एंटरटेन करेगा। लेकिन इसके बाद सलमान खान ने एक और फिल्म का खुलासा किया, और वो थी सूरत बड़जात्या की फिल्म। जो आपने बिल्कुल सही सुना, सलमान खान की सारी लगातार एक्शन फिल्में नहीं आएगी, बीच में एक फैमिली ड्रामा फिल्म भी आएगी जो कि सूरत बड़जात्या के साथ होगी। सलमान खान और सूरत बड़जात्या की जोड़ी एक ब्लॉकबस्टर जोड़ी मानी जाती है। जब उन्होंने जितने भी फिल्मों में साथ में काम किया है वो सारी फिल्म सुपरहिट का तो ब्लॉकबस्टर रही है। तो एक बार फिर से ये जोड़ी 2021 में हमें देखने को मिलेगी, और इसके बाद रिलीज होगी टाइगर 3। जी आपने बिल्कुल सही सुना, सलमान खान ने टाइगर 3 फिल्मों को भी कंफर्म कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि टाइगर सीरीज तो अपने आप में ही एक ब्लॉकबस्टर सीरीज है। और आखिर में सलमान खान ने वो फिल्म का खुलासा किया जिसका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा है, और वो है शेर खान। यह शेर खान फिल्मों को लेकर पिछले काफी सालों से चर्चे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये फिल्म नहीं बन पाई, और उस पर सलमान खान ने अपना रिएक्शन भी दिया। जय सलमान खान ने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी 1 साल VFX पर कामकाज करना होगा, यानी कि ये फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद भी ये फिल्म पर 1 साल काम करना पड़ेगा, यानी कि शेर खान एक बहुत बड़ी और ह्यूज स्केल पर फिल्म बनाई जाएगी। और इसके चलते अभी तक सलमान खान ने शेर खान को टाइम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 2-3 फिल्में और करूंगा, यानी कि किक 2, टाइगर 3, राधे, सूरज बड़जात्या की फिल्मों को करने के बाद सलमान खान शेर खान फिल्मों में काम करेगी, यानी कि अगले सालों में सलमान खान का बॉक्स ऑफिस पर तूफान आने वाला है, क्योंकि सलमान खान ने जिस फिल्मों को कंफर्म किया है वो सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होने वाली है। फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि इनमें से सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी बनेगी, वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफएसटार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।